नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक म्यूजिक रिएक्टिव एलईडी सर्किट है और दोस्तों इस सर्किट का सेंसिटिविटी काफी अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक कॉन्डेंसर माइक। उसके बाद दोस्तों देखिए, माइक का ये पॉइंट जो माइक के ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, ये है माइक का नेगेटिव पॉइंट और ये है माइक का पॉजिटिव पॉइंट। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 10K रजिस्टर। उसके बाद देखिए, अब हमें इस रजिस्टर का एक पॉइंट हमें सोल्डर करना है माइक के पॉजिटिव पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 100 NF कैपेसिटर। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें इस कैपेसिटर का एक पॉइंट हमें सोल्डर करना है माइक के पॉजिटिव पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 1M रजिस्टर। उसके बाद देखिए, अब हमें इस रजिस्टर का एक पॉइंट हमें सोल्डर करना है इस कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद रजिस्टर का दूसरा पॉइंट हम इस 10K रजिस्टर के इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक BC547 ट्रांजिस्टर। उसके बाद देखिए, अब हमें इस ट्रांजिस्टर का जो एमिटर पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है माइक के नेगेटिव पॉइंट के साथ। उसके बाद ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट हमें सोल्डर करना है। फ्रेंड्स, देखिए यहां पर कैपेसिटर का एक पॉइंट और 1M रजिस्टर का एक पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा और एक 10K रजिस्टर। उसके बाद देखिए, अब हमें इस रजिस्टर का एक पॉइंट हमें सोल्डर करना है इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ। उसके बाद रजिस्टर का दूसरा पॉइंट हमें सोल्डर करना है। फ्रेंड्स, देखिए यहां पर 1M रजिस्टर का एक पॉइंट और 10K रजिस्टर का एक पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा और एक BC547 ट्रांजिस्टर। उसके बाद देखिए, अब हमें इस ट्रांजिस्टर का जो एमिटर पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है माइक के नेगेटिव पॉइंट के साथ। उसके बाद ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक BC557 ट्रांजिस्टर। उसके बाद देखिए, अब हमें इस ट्रांजिस्टर का जो एमिटर पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है इस पॉइंट के साथ। उसके बाद ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट हमें सोल्डर करना है इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें सोल्डर करना है इस पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा तार हम इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये दो तार हो गया इस सर्किट का पावर सप्लाई का दो तार। ये है पॉजिटिव तार और ये है नेगेटिव तार। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 4 वोल्ट एलईडी स्ट्रिप। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें एलईडी स्ट्रिप का जो पॉजिटिव तार है, इस तार को हमें सोल्डर करना है इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ। उसके बाद एलईडी स्ट्रिप का नेगेटिव तार हम इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं।
दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक म्यूजिक रिएक्टिव एलईडी सर्किट अपने घर में बना सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही, आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।